सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए कई फोन आ रहे थे जिसमें उन्हें धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा कि फोन कॉल सबसे बुरी चीज है, मुझे लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। पूनावाला ने कहा ये सभी फोन भारत के शक्तिशाली लोगों की तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यापार मंडल के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं। ये लोग फोन पर कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति की मांग करते हैं। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने द टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन पर यह प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पत्नी और बच्चों समेत भारत छोड़ दिया और लंदन चले गए। अब उनका कहना है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया था। अदार पूनावाला ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है जो कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें लिखा कि वो ज्यादा से ज्यादा कोविड वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं, मैं कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मेरी कही गई बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है। सबसे पहले वैक्सीन को बनाना एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, ये ऐसी चीज नहीं जिसे रातों रात बना दिया जाए। हमें ये भी समझना है कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और वयस्कों के लिए वैक्सीन बनाना आसान बात नहीं। दूसरे बड़े देश और एडवांस कंपनियां भी इसी परेशानी से जूझ रही है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम बीते साल अप्रैल से भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं, हमें हर तरह का सपोर्ट भी मिल रहा है, फिर चाहे वो साइंटिफिकली हो या फिर फाइनेंशियली। हमें टोटल 26 करोड़ डोज का ऑर्डर मिला था जिसमें से हमने 15 करोड़ की सप्लाई दी है। हमें इसका 100% एडवांस यानी कि 1732.50 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से मिल गए हैं। बाकी के 11 करोड़ डोज अगले कुछ महीनों में भेजे जाएंगे। आखिर में हम समझते हैं कि सब चाहते हैं इस परिस्थिति में वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो, हम भी यही चाहते हैं और हम इसे पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट के बाद भी लोग पूनावाला के इस बयान से संतुष्ट नहीं दिख रहे। कुछ लिखते हैं कि भारत की आबादी इतनी ज्यादा है लेकिन वैक्सीन का ऑर्डर सिर्फ 26 करोड़ ही क्यों दिया गया। द टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैं यहाँ यानी लंदन में लंबे वक्त तक रहूंगा क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहता, उस स्थिति में नहीं लौटना चाहता। सब कुछ मेरे कंधों पर आ गिरा है और मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता जब आप अपना काम कर रहे हैं और किसी एक्स वाई जेड को सप्लाई नहीं दे पा रहे, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या करने वाले हैं। अदार पूनावाला ने इंटरव्यू में इस पर भी इशारा किया कि उनका लंदन शिफ्ट होना इस बात से भी जुड़ा है कि उनका बिजनेस प्लान अब भारत के बाहर भी वैक्सीन का निर्माण करना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के बाहर जहां प्रोडक्शन होगा उसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ी घोषणा होने वाली है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि वैक्सीन के निर्माण में मुनाफाखोरी हो रही है, जिस पर पूनावाला ने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है। कोविशील्ड अभी भी इस ग्रह पर सबसे सस्ती वैक्सीन है, दाम बढ़ने के बाद भी। देखिए, स्थिति बेहद गंभीर है और वैक्सीन को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज भी करें, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।